नफ्स की शामत। हजरत अबुल कासिम कादसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं कुछ अरसा कादसिया में क्याम पजीर रहा। उन दिनों एक अजीब वाक्या रूनुमा हुआ कि रात के वक्त तमाम शहर वालों ने एक आवाज़ सुनी। कोई पुकारने वाला ये पुकार रहा था, ऐ कादसिया वालों, अल्लाह के एक वली ने अपने नफ्स को वादी सबा जंगली दरिंदों का इलाका वहाँ कैद कर दिया है, उसके पास जाओ और उसे शहर में ले आओ, ऐसा ना हो कि दरिंदे उसे नुकसान पहुँचा दें। तमाम शहर वाले ये ऐलान सुनकर मजकूरा इलाके की तरफ चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया और उस जगह तक जा पहुँचा। हमने वहाँ क्या देखा कि हजरत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह एक गढ़े में आराम फरमा रहे हैं। हम सब लोगों ने मिलकर उन्हें इस गढ़े से बाहर निकाला, सवारी पर सवार कराया और शहर में ले आए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे घर को शर्फ बख्शा और चंद दिन वहाँ क्याम पजीर रहे और फिर एक दिन उन्होंने वहाँ से कूच करने का फैसला फरमा लिया। जब आप मेरे घर से जाने लगे तो मैंने आपसे इस गढ़े में आराम करने के बारे में पूछा कि उसका सबब क्या था, तो आप फरमाने लगे, गढ़े में घुसकर बैठने का सबब ये था कि जब मैं जंगल बयाबान से होता हुआ इस जगह पर पहुंचा जहां आप लोगों ने मुझे उस दिन देखा, तो मेरा नफ्स खुशी से झूमने लगा और कहने लगा कि मैं जल्द ही शहर में दाखिल हो जाऊंगा जहां बहुत से लोग मेरे जानने पहचानने वाले हैं। वो लोग मेरी मेहमान नवाजी करेंगे, मुझे तरह तरह के मज़ेदार खाने खिलाएंगे। मैंने जब अपने नफ्स की ये हालत देखी तो मुझे सख्त अफसोस हुआ। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, ऐ नफ्स अम्मारा, तू इस बात पर खुश हो रहा है ना कि तुझे अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे और आराम और सुकून हासिल होगा। कसम बखुदा मैं तुझे शहर में नहीं ले जाऊंगा, तुझे यहाँ ही कैद कर दूंगा, तेरी मौत भी यहाँ ही आएगी, तू कभी भी अपनी आंखों से कादसिया शहर का नज़ारा नहीं कर पाएगा। लिहाजा मैंने नज़र मान ली कि ना तो मैं कादसिया में दाखिल होऊंगा और ना ही नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करूंगा।